अगर आपको कोई कॉल करके परेशान कर रहा है, जिससे परेशान होकर आपने उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया है, बट अब वो अलग अलग नंबर से आपके पास कॉल कर रहे हैं, ऐसे में अगर आप उन नंबर को ब्लॉक करेंगे तो वो फिर अलग नंबर से कॉल करेगा, और अब तो इंटरनेट के माध्यम से भी कॉल हो जाती है, जिस वजह से हम उसकी कॉल को आने से नहीं रोक पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिससे कि आप उसकी कॉल को रोक सकती हैं, चाहे वो कितने भी अलग अलग नंबर से कॉल कर ले बट आपके पास कॉल नहीं आएगी। आपके पास कॉल केवल उन्हीं नंबर से आएगी जो नंबर आपके मोबाइल में सेफ होंगे। तो इस सेटिंग को करने के लिए मैं आपको यहाँ पे तीन तरीके बताऊंगा। अगर मैंने एक तरीका बताया तो बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि हमारे मोबाइल में ये सेटिंग नहीं मिल रही है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे तीन तरीके बताऊंगा, किसी ना किसी तरीके से आपके मोबाइल में ये सेटिंग वर्क कर जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं ये आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डायलर पैड ओपन करना है। अभी आप यहाँ पे सेटिंग के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ब्लैक लिस्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आपके मोबाइल में दो सिम है तो जिस भी नंबर पर आपके पास वो कॉल करके परेशान कर रहा है, उस सिम में आपको ब्लैक लिस्ट की सेटिंग अनेबल कर देनी है। इसके बाद आप यहाँ पे कॉल ब्लैक लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अभी आप यहाँ पे ब्लॉक कॉल फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, ये सेटिंग आपको यहाँ पे अनेबल कर देनी है। तो अब आपके मोबाइल पर अनजान नंबर से आने वाली सभी कॉल ब्लॉक हो चुकी है। अब आपके पास केवल उसी नंबर से कॉल आएगी जो आपके मोबाइल में सेफ होंगे। बट अगर आपके मोबाइल में इस तरह की सेटिंग नहीं आ रही है तो आप दूसरा मेथड देखिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डायलर पैड ओपन करेंगे। अभी आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक्ड नंबर पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपको अननोन नंबर की सेटिंग मिल जाएगी। आपको बस इस सेटिंग को यहाँ पे अनेबल कर देना है। तो अब आपके मोबाइल पर सभी अनजान नंबर की कॉल ब्लॉक हो चुकी है, बस आपके मोबाइल में जो नंबर सेफ है उनकी कॉल आ पाएगी। बट अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग भी नहीं है तो आप तीसरा मेथड देखिए। तो अब इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो एप्लीकेशन ओपन करने पर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अभी आपको यहाँ पर सभी परमिशन को अलाउ कर देना है, तो आपके सामने एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कॉल ब्लॉकिंग की सेटिंग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑन होगी, इसको आपको बंद नहीं करना है वरना ये सेटिंग वर्क नहीं करेगी। यहाँ पर आपको ब्लॉक एवरीवन एक्सेप्ट माय कॉन्टैक्ट, इस सेटिंग को आपको यहाँ पे अनेबल कर देना है, और इसी के साथ आपको यहाँ पे ब्लॉक प्राइवेट नंबर, ये सेटिंग भी अनेबल कर देनी है, तो आपका काम हो जाएगा। अब वो कितने भी नंबर बदल के कॉल कर ले, आपके पास कॉल नहीं आएगी। तो अगर आपको ये सेटिंग पहले जैसे करनी है तो उन सेटिंग को आपको पहले जैसा कर देना है, मतलब बंद कर देना है। अगर एप्लीकेशन से किया था तो आपको एप्लीकेशन डिलीट कर देना है, तो आपकी पहले जैसी सेटिंग हो जाएगी। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है फ़ोन कॉल ब्लॉकर, तो आपके सामने पहले ये एप्लीकेशन आ जाएगा। आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। लोगों आप ध्यान से देख लीजिए, इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना